अंदर कोई नहीं डालिंग कैसा है डालिंग ऑल वेल ऐसे कर रहे हीरो भी लग रहा है यार इन सब का प्यार हाउ यू डूइंग क्या बात है गुड ब्रदर आर यू रेडी हो सवाल जवाब आई एम रेडी एंड रेडी एंड रेडी कैसा है सब ये फुल पावर ठीक है ना अच्छा ये बटन पहनना चाहिए कि नहीं भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या टेंशन है तूने देख कभी भाइयों से पूछना भाइयों कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस बिग बॉस में सच्चे दिल से बोलना बट थैंक्स सो मच यार विकास थैंक यू सवाल जवाब करेंगे बट वेल डन लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस बोला जाता है ये क्या आपने सुना है कि नहीं किसको मिस कर रहे हो घर से भाई मैं मिस कर रहा हूँ जिनको मिस कर रहा था उनके लिए वापस आ गया हूँ उनके पास पर यार मैं बस वो जो पूरा माहौल है ना घर का चाहे जितना भी लड़ाइयाँ हो जितने भी इशू बट एक एनर्जी अलग है वो एक्सपीरियंस ना किसी दुनिया की किसी दुनिया में उसके लिए आपको बिग बॉस के घर में ही जाना पड़ेगा एंड आई मिस द एंथम आई मिस द मॉर्निंग टीम जो हर कोई बनाता था कभी पीना तो कभी शालीन और दिन के पता नहीं एक अलग ही जोन है तो शिव को मिस कर रहे हो कि नहीं शिव को बाकी सब मिस कर लेते हैं मैं नहीं करता हूँ नहीं मेरे अभी और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको मिस कर रहा हूँ मैं बट पीपल डू मिस मैं शिव की वजह से आउट हुआ यार जो सही में शिवा है ना मेरे भोलेनाथ उनका सिर मेरे पे हमेशा है हाथ मेरे सिर पे हमेशा है और कपड़ा पहन लिया देखिए ये बातें जो है करने दो ये सब इनके लिए छोड़ देते हैं जो बातें हैं पर थोड़ा कंफ्यूजन है मिस्टेक है मिस्टेक है आई एम श्योर आप सबके सामने ये भी इसकी रियलिटी बाहर आ जाएगी परेशानी हो किसी से मन मुटाव है वो सब सच्चाई से करने की कोशिश की है मैंने और वही किया और अपना सीना ठोक कर छाती चौड़ी करके स्माइल करते हुए गया था और वैसे ही बाहर आया हूँ यही एक नियत में था और इसीलिए बाहर आया हूँ तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है आप सब इतने ऐसे हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशियाँ दे रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के एम्ब्रेस करता हूँ और ऐसे हाथ खोल के एम्ब्रेस करता हूँ और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी स्टैंड छोड़ा था बट मज़ेदार था विकास साथी घर के अंदर मास्टर माइंड कौन है आपको क्या लगता है आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है साजिद खान आपको खुद का जवाब मालूम आ रहा फिर भी मुझसे विकास जी कई हद तक आपको ये नहीं लगा कि जितना भी समय आपने बिताया उस घर में जी काफ़ी कम समय था और लोगों ने कॉपरेट नहीं किया अगर कोई कुछ थोड़ा सा कॉपरेट करते तो यू वुड हैव गॉन थोड़े से टॉप सिक्स पे तो आपको नजर आ ही रही थी आपको ऐसा नहीं लगा यार वो गेम के फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है क्या चीज़ें नहीं हैं और उससे सिनेरियो में क्या है कि आपके दिमाग जहन में और हाथ में जो है वो ये है जो मुझे लगा कि सच्चाई से समझ से खेलना और कॉल जो सही लगे उसको सही कहो जो गलत लगे उसको गलत कहो और ठोक कर इज्जत से प्यार से कहो और वही मैंने किया बिग बॉस में आपने शिव ठाकरे को एक नाम दिया है क्या दिया है नाम हमने प्रोमो में देखा एक बताइए क्या नाम दिया बताइए तो आपने ही दिया है सर अरे पर बताइए तो क्या नाम दिया है तो दिया था अगर आप शिव ठाकरे की गेम के बारे में अगर कुछ बताना चाहे देखिए बहुत ही एक ये ना गेम है टू बी ऑनेस्ट हम शायद बाहर इसको पर्सनली ले लेते हैं बट हम घर में रहकर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हो तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता है यस यू नो आप एक दूसरे के साथ देखो आप नॉमिनेट कर रहे हैं इशूज हो रहे हैं परेशानियाँ हो रही हैं मनमुटाव हो रहे हैं लड़ाइयाँ भी हो रही हैं बट उसके बाद फिर बैठ के साथ में ही खाना खाते थे सारे बट 31st की मैं बात करूँ जब पार्टी थी घर पे जी जब शालीन और टीना फिर से नज़दीक आए तो लोग फिर वापस बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है लोगों की राय ली घर वालों की राय ली जी उसमें आपकी क्या राय है उसमें अगर आप कुछ बताना चाहो मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है यस मेरे पास भी मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज़्ज़त प्यार वो बनी रहे और बीच में जो कन्फ्यूजन है वो हटी रहे बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही और आने के बाद अगर वो दिखा मुझे कि साथ में हुए हैं तो वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं एक दूसरे के लिए और वो घर से बाहर निकलेंगे तो समझ आएगा कि वो कितनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं हैं क्योंकि जब बहुत सारी बातें ऐसी हैं चाहते हैं वो करना जो कैमरा के सामने हुआ नहीं रह कर पाते yes. और ये बात आई थिंक शालीन ने बोली भी थी
कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद जब वो मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है, तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि फिर वो कैसे अनवील होता है और कैसा रिश्ता बनता है। आप इंटरव्यू देने आए, क्या कहना चाहोगे जी? सिद्धार्थ कनन को आप इंटरव्यू देने आए? वो कनन ना, उसकी आवाज़ देख कर सुनते ही मुझे मज़ा आ जाता है। मुझे लगता है क्या मज़ेदार आवाज़ है, फुल पावर बंदा है और फुल ऐसी फुल एनर्जी में चार्ज रहता है जैसे मैं रहता हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जा रहा हूँ कनन के पास, सिद्धार्थ के पास, उससे मिलने, हग करने और उसको इंटरव्यू देने। और आप देखते रहिए, मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अच्छा काम करती थी, और मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। अभी ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीजंस रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार, शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे। बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को, स्पेशली यूथ को, कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम से डील करने की, और अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को के साथ एकजुट होकर रहिए, क्योंकि जब आप वो रहेंगे जो पेड़ अपनी नींव के साथ हमेशा स्ट्रांग रहता है वो नहीं गिरता है। तो प्लीज़ भरोसा कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं आपको या उनको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं या किसी भी और रीज़न से उनको दुख होगा या वो भी, एट द एंड ऑफ इट वो माँ बाप हैं। और अपने दोस्तों को पकड़िए जिनके ऊपर आपको विश्वास है, बट वो पकड़ के रखिए रिश्तों को, और आप कोई भी परेशानी हो उससे बाहर निकल सकते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइफ है, साथ में रहिए, इज़्ज़त प्यार बना के रखिए। ये मैं आप सबसे भी चाहता हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है अराउंड कि लोगों को लगता है कि वो अकेले हो गए हैं और क्या मायने हैं और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बट फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है, हम ढूंढते हैं तरीके और रीज़न्स कि उनको वो आउटलुक दे पाएँ ज़िंदगी की तरफ, और आप भी दीजिए और हिम्मत मत हारिए। प्लीज़ Take care, God bless all of you. Thank you, Vikas. Hi, madam, ke saath mein.